रणनीति या रणनीति इसमें भी तमीज देखो बाइबल में. एनीवे हम जवाब देंगे कि वो आदम ने जो फल खाया था ये उसका गुनाह था. मैं आपको बड़े वसूख से बाइबल की सच्चाइयों में से ये बताना चाहता हूं कि ये गुनाह नहीं था. गुनाह ये नहीं था, ये रुकावट होनी थी. अलबत्ता ये मशहूर हुआ तो बाइबल ही में से गुनाह क्या है इसको जरा खोजेंगे. देखिए मेरे साथ जो रवैये हैं जिनकी मुआफी है, जो गुनाह उनका रवैये हैं हमारे बाइबल मुकद्दस में से पढ़ते हैं. इब्रानियों 10 बाब उसकी 29 आयत देखिए. कोई बस शरात आपके माइक के ऊपर आ जाए. इब्रानियों 10 बाब उसकी 29 आयत. अच्छा ये मैं पढ़ देता हूं, अगले वाले आप निकाल ले. अमाल 3:5, अमाल 7:51, अमाल 6:9 इस तौर से आप 3 में से निकाल ले. तो जो करेंगे प्रागरम सुन लीजिए जरा गौर सुनिए. 10 बाब और उसकी 29 आयत में यूं मरकूम है, तो ख्याल करो कि वो शख्स किस कदर ज्यादा सजा के लायक ठहरेगा जिसने खुदा के बेटे को पामाल किया और अहद के खून को जिससे वो पाक हुआ था नापाक जाना और फजल के रूह को बेइज्जत किया. ये जो फजल का रूह है ये भी पाक रूह का नाम है. बाइबल मुकद्दस में हम अहदे अतीत में 90 मरतबा पाक रूह का जिक्र देखते हैं या पढ़ते हैं. और इसको अगर नए अहदनामे में देखें तो ये गिनती अहदे जदीद में 260 मरतबा है और इसके 39 घटनाएं मुख्तलिफ नाम और किताब हैं. और पुराने अहदनामे में जो इसके किताब हैं वो तकरीबन जो हैं 18 हैं. और नए अहदनामे में यूहन्ना के खत, तीसरे खत और दूसरे खत में रूह अल-कुद्स का जिक्र नहीं मिलता. गोया 25 किताबों में रूह अल-कुद्स का जिक्र बड़ी रेपुटेशन के साथ मौजूद है. सिर्फ 2 खत हैं जिनमें रूह अल-कुद्स का जिक्र नहीं है. अच्छा आप देखिए इब्रानियों 10 में हमने पढ़ा और फिर आगे देखिए जिसकी माफी नहीं है वो एक और गुनाह. अमाल 3:5 है, पढ़िए अमाल 3:5 में. जी पास्टर जी आप पढ़िए. सो यहां पर कुछ यू लिखा है कौन से कुछ मिलेगी. नहीं 3:5 है, देखिए ये 5 सीन होगी. माफ कीजिए मगर पत्रस ने कहा आए हनन्या क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूह कुद्दस से छूट गई, कि तू रूह कुद्दस से छूट गई और इसकी सजा जो है वो भी आप आगे देखते हैं कि हनन्याह और सफीरा उसी दम मर गए थे, उनके सांस रुक गए थे. ये सजा भी मिली
यीशु ने कहा कि जो गुनाह पापों के खिलाफ होगा वो माफ नहीं किया जाएगा, ना इस जहान में ना अगले जहान में। ये जो अगला जहान है और ये जहान जिसमें हम बसते हैं, जो अल्लाह उसका 5:28 है, इसमें आयत में लिखा है, इससे ताज्जुब ना करो क्योंकि वो वक्त आता है जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने नेकी की है हमेशा की जिंदगी की कयामत के वास्ते, और जिन्होंने बदी की है हमेशा की सजा की कयामत के वास्ते। यानी जिंदा सभी को किया जाएगा, कुछ तो हमेशा की जिंदगी के वास्ते अपनी जिंदगी ना खत्म होने वाली जिंदगी, और कुछ जिंदा इसलिए किए जाएंगे कि वो अपनी सजा के हवाले किए जाए। इसके लिए हवाला देखिए, लोग पादू यानी रूह कुछ की मुखालफत करते हैं। अमाल 4:58 देखिए, ऐ गर्दन कशो और दिल और कान के नामखूनों, तुम हर वक्त रूहुल कुद्दस की मुखालफत करते हो। तुम हर वक्त रूहुल कुद्दस की मुखालफत करते हो। हम जब देखते हैं अमाल की किताब में कि रूहुल कुद्दस बड़े जोर के साथ नाजिल हुआ और जमात गैर जुबाने बोलने लगी, जो पसंद नहीं करते इस अमल को वो मुखालफत करते हैं, और ये वो गुनाह है जिसकी माफी नहीं है। हमें बाइबल के अंदर जो तरतीब है उसकी मुखालफत करने पे सजा का हुक्म है। हर बंदा वो जो बाइबल से बाहर से है, जिसका ताल्लुक बाइबल में नहीं, वो गुनाह है। आपको कहीं नहीं मिलेगा कि गुरुदस जो है वो इतना बेवकूफ कर देता है कि बेखुदों के बंदा भाग है और मस्वा के ऊपर से चढ़ के अगली तरफ भाग जाता है, या वो पीछे की तरफ गिरना शुरू हो जाते हैं लोग, या इतना हंसना शुरू हो जाते हैं कि सारा हॉल कह के मारी जा रहा है, हंसी जा रहे हैं, कह रहे हैं हमें होली कोस मिल गया। आपको भाई बंदे कहीं नहीं मिलेगा कि रूल कोस जब नाजिल हुआ तो लोग बेखुद हो गए, बेवकूफ हो गए, इस तरह की तरतीब बाइबल में नहीं मिलेगी। ये इंसानों की तरफ से है, और जो इंसानों की तरफ से है वो गुनाह है। आगे हम देखते हैं लोग बहस करते हैं, मेरे साथ देखिए अमाल 6:9 है, ये चंद गुनाह है जो मैं चाहता हूं हम पढ़ें। के उस वक्त खाना से जो लवर्तीनियों का कहलाता है, और नोरीनियों और संद्रियों और उनमें से जो क्रकिया और आसिया के थे, बाज लोग उठकर स्टीफनुस से बहस करने लगे, मगर वो उस दानाई और रूह काम जिससे वो कलाम करता था मुकाबला ना कर सके। जो नापाक हथकंडे हैं इबलीस के, उसके जो नापाक मंसूबे हैं रूह कुद्दस के खिलाफ, उसकी जो तालीम है वो बाइबल की तालीम का मुकाबला नहीं कर सकेगी। अगर आप बाइबल में से सुनाएंगे, आपको याद है इबलीस का और यीशु का जब सामना हुआ तो यीशु आजमाया जाने के लिए रूह की रहनुमाई में वहां पे पहुंचा था, तो इबलीस ने आजमाने के लिए कहा जो कि अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। तो यीशु ने कहा था लिखा है, उसने लिखी की बात की, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से ना जिंदा रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकल रही है। यीशु लिखे की बात कर रहा है, कलाम खुद कलाम की बात कर रहा है, खुदा का बेटा, खुदा का कलीमा, खुदा का कदूस, अल्फा ओमेगा, शुरू और आखिर, इब्तिदा और इंतहा, कलमा खुदा लिखे की बात करता है। वो लिखे से बाहर नहीं जाएगा, वो कलाम कलाम के अंदर की बात करता है। फिर आगे बढ़ता है इब्लीस, तो फिर उसके लिए
लिखा है, पहले लिखे से बाहर है, फिर लिखे में आ गया है। लिखा है तेरी बाबत कि वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो सब तेरी राहों में तेरी हिफाजत करें, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे और कहने लगा अपने सही नीचे गिरा दे, क्योंकि तेरी बाबत तो लिखा है। तो यीशु ने कहा ये भी लिखा है कि खुदा ने खुदा की आजमाइश ना करा। यीशु ने फिर लिखी से दुआ किया। अब जब तीसरी अटेम्प्ट हुई उसमें वो फिर ऊंचे पर ले गया और कहने लगा नीचे दिखाकर कि ये सारी शान शौकत मेरी, ये झूठ बोल रहा था। इसका नाम है झूठा शख्स, इसका नाम है झूठों का बाप, इसका नाम है शरीर, इसका नाम है शरारत का फलसंग, इसका नाम है, इसके नाम है बाइबल मुकद्दस से 39 बाय नेचर। यीशु ने कहा चोर भी आता चुराने और मार डालने और हलाक करने, चोर कहा है यीशु ने। तो ये कहता है तीसरी दफा कि सारी शान शौकत मैं तुझे दे दूंगा, मुझे झूठा सच्चा कर। पहली दफा लिखे से बाहर से बात हो रही है, दूसरी दफा वो लिखे में आ गया है डेविल इब्लीस, अब तीसरी दफा फिर निकल गया है। तो जब कहा कि मुझे सिजदा कर झूठ बोल रहा था तो यीशु ने इसको झिड़का और कहा है शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि खुदावंद अपने खुदा को सिजदा करे। यीशु हर वक्त लिखे की बात करेगा, वो अपने अंदर से बात करेगा, वो बाहर नहीं जाएगा। हाँ अगर हम बाहर जाएंगे तो फिर गलती करेंगे, अगर कलाम के अंदर रहेंगे तो फिर बच जाएंगे और बचाने का काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नहीं टिक पाएगा कोई इसके सामने। रंगीन करते हैं ये साया अपने से बात देखिए, उसकी 10 आयत मैं असल में कोशिश करूंगा कि सफाई से पेश कर सकूं पाखरू की मदद से। लेकिन वो बागी हुए और उन्होंने उसकी रूहे कुदस को गमगीन किया। लेकिन वो बागी हुए और उन्होंने उसकी रूहे कुदस को रोहन कुदस को गमगीन, ये गुनाह है और इसकी सजा है। लोग गमगीन करते हैं, हाँ अगर वो मौका दे दे आपको वो और बात है, ऐसी बात नहीं कि वो मौका नहीं दे सकता। माफी का जो क्राइटेरिया है ये आप और मैं इसको तय नहीं कर सकते, बाइबल खुदा का कलाम इसको बयान करता है। अब यहां पर अहले अतीत में रूह अल-कुदस हमें दिखाई दे, इस धोखे में ना रहिए। रूह अल-कुदस अहले अतीत में 90 दफा इसका जिक्र मौजूद है, हवाले इसमें जो ये सारी लिखी इसमें हवाले नहीं लिखे। हाँ पहले यू था कि नॉमिनेटिव लोगों पर, खास लोगों पर रूह अल-कुदस नाज़िल होता था, चुने हुए लोगों पर, बादशाहों पर, नबियों पर, रसूलों पर, ऐसे लोगों पर रूह अल-कुदस नाज़िल होता था, काजियों पर, बादशाहों पर और नबियों पर, ये नॉमिनेटेड लोग थे। लेकिन अमाल की किताब में योएल नबी की वो नबुव्वत पूरी हुई हर हर फर्द बशर पर, हर एक के लिए, आप में से कोई भी एक भी ऐसा नहीं जिसके लिए नहीं, सब के लिए, हर एक के लिए। जो रूह अल-कुदस का दौर है इसीलिए ये है कि ये यहां से अमाल की किताब से रूह अल-कुदस सब के लिए जारी हो गया है। रूह को बुझाते हैं पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब और 19 आयत। जो सवाल था भाई आसिफ का वो तो यहां मौजूद नहीं है, लेकिन शायद रिकॉर्डिंग तक पहुंच जाए। सवाल ये था
कि क्यों यीशु ने ये कहा कि मेरे खिलाफ जो गुनाह होंगे वो तो माफ किए जाएंगे, लेकिन जो गुरुकुल से खिलाफ होंगे उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। देखिए मत्ती की इंजील उसका 12 बात देखिए, और उसकी 31 और 32 है। यहां पे इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि आदमियों का हर गुनाह और कुफर को माफ किया जाएगा, मगर जो कुफर रूह के हक में वो माफ ना किया जाएगा। कि जो आदमियों का गुनाह है उसके लिए कोई तरतीब नहीं, कोई रकम नहीं, कोई किस्म नहीं। आदमियों का हर गुनाह माफ किया जाएगा जो इब्ने आदम के खिलाफ होगा। यहां पे समझने की जरूरत है, यीशु ड्यूल मैसेंजर था, वो कामिल इंसान और कामिल खुदा था। जब वो नाज़िर की खबर पर आए और रोए, अफसोस करें, दुख में शरीक हो, तो इंसान इंसानों के दर्द में शरीक होते हैं, तब वो कामिल इंसान है। और जब वो कमांड करे अलाजर बाहर आ, तब वो कामिल खुदा है। जब वो शरीक पर कहे मैं प्यासा हूं, तो इंसानों को प्यास लगती है, लेकिन जब वो मरकर मौत को मारकर जी उठे तब वो खुदा है। जितने भी बलवान हैं ये उसके कामिल इंसान और कामिल खुदा होने की तरफ इनका लिंक, इनकी कनेक्टिविटी आपको मिलेगी, इनका रक्त आपको कामिल खुदा और कामिल इंसान के साथ मिलेगा। जब वो कहे कि जो गुनाह मेरे खिलाफ होगा, चूंकि वो कफारा होने के लिए आया था, तब वो कामिल इंसान है। तो इंसान इंसानों के खिलाफ जो गुनाह करते हैं उनकी माफी है, लेकिन जो रुहुल्कुद्स के खिलाफ होगा, रुहुल्कुद्स खुदा है, रुहुल्कुद्स तो खुदा है, ये शख्सियत है, ये तसलीस का तीसरा अगनूम है। ये ना सिर्फ शख्सियत है बल्कि ये इखलाकी शख्सियत है। इसको मददगार कहा गया, इसको पाकीज़गी का रूप कहा गया। तो जो इखलाक है वो मददगार जो लोग होते हैं उनको कहा जाता है बड़े इखलाकी लोग हैं। ये पाकीज़गी का रूप है, ये सच्चाई का रूप है। तो इखलाकी शख्सियत में ये भी एक जुज है, ये उसका एक जुज है, उसका एक अंशर है कि सच्चाई का रूप, यानी कोई अगर इखलाकी शख्सियत है तो अगर झूठ बोलती है तो ये इखलाकियात के दायरे में नहीं आता। उसका सच बोलना इखलाकियात के दायरे में आता है। इसकी तरतीब, इसकी तफसीर आपको सब इसके मंथन मिंदर से मिलेगी। आगे जब हम देखते हैं कि यीशु कहता है जो गुनाह मेरे खिलाफ यानी इब्ने आदम के खिलाफ होगा वो तो माफ किया जाएगा, लेकिन जो खुदा के खिलाफ यानी रुहुल्कुद्स के खिलाफ होगा वो माफ नहीं किया जाएगा। गुनाह देखते हैं, जरा इन्होंने गुनाह सीखते हैं कि गुनाह है क्या। इंसानों की गुनाह को माफ है, बल्कि उसने कहा कि सीख कर अहबाब इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते। ये माफी का दरिया काटे मार रहा है आज भी। याकूब के खत में लिखा है कि उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता रहता है। ये जारी है सारी, इसे ना कोई रोक सका, ना रोक सकेगा। ये सलीब से जारी हुआ है। अहबाब इन्हें माफ कर,
ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। ये कामिल इंसान के साथ जो हो रहा था वो कामिल इंसान इंसानों के लिए कह रहा है कि इनके लिए गुनाह माफ कर दे। हर जो आसमान का गुनाह है जो रूह उसका गुनाह है, ये पहली दफा किसने लिया था? खुदा का गुनाह आसमानों के फरिश्ते ने किया था। मेरे साथ देखिए चौदह है मैं भी आपके साथ पूछता हूं उसकी बात से। अगर 14 बाप है तो 12 अंक है, अगर 12 बाप है तो भी 12 अंक से है, शायद 14 ही है। 14 बाप उसकी 12 अंक देखिए तो पढ़ने के बदले सुबह के रोशन सितारे ये भी इबलीस के नामों में से एक नाम है उसका। सुबह के रोशन सितारे, सितारे रात को रोशन होते हैं, लेकिन ये तरतीब से निकला है, तरतीब से हट गया है कि रात की बजाय सुबह को अपनी रोशनी कर रहा है, डिसऑर्डर हो गया है। तो डिसऑर्डर होना खुदा की हजूरी में से उसके बाद गुनाह पैदा होगा। आपको मालूम है दाऊद ने जब गुनाह किया था तो उसके गुनाह करने की वजह क्या थी? चले मैं कौन सा अपने पास से बताने लगा हूं, मुझे भी बताया था मेरे उस्ताद मोहतरम ने पास्टर डॉक्टर जोश। वो कहते हैं बच्चू हम फैसला से वापिस आ रहे थे, कहते हैं तुम पता है दाऊद ने जरा गुनाह किया थी, वो गुनाह करने की वजह की थी? मैं ये मानता था मैंने पापा की बंद नहीं पता। कहने बेटा तुम जितने होना चाहता सी वो कमांडर थी, तुम जानवर मैदान चुना चाहता सी क्योंकि कमांडर कमांड करता है, वो अपने मकान पे नहीं सी, जरा उनका मकान सी जो छत के सी, जो असी उस जगह पे नहीं होते जिसे खुदा ने सर रखा है फिर सारे तो गुनाह हो गए। तो यहां पर भी कुछ ऐसा है, ये डिसऑर्डर हुआ वो जगह जो इसके लिए जिसका टाइम था, जो इसके लिए जगह तैयार थी उस जगह से ये हटा है। ये इस काम के लिए था, लाखों लाख फरिश्ते इसके लिए बनाए गए थे कि ये इशारा करे और प्रस्तुत हो खुदा की और खुदा जलाल है। उसके दिल भी आया मशहूर यह है कि ये मंडी हुआ नहीं, मंडी इसका होने एक जुज है, गुनाह नहीं है, गुनाह ही लेकिन इसकी हालत थोड़ी और ताकत पर आ गई है। जो इसका असल गुनाह था गुमंद इसका आगाज था। तो जब ये हटा है अपने मुकाम से, ये सोच कर हटा है कि इशारा तो मेरा चलता है, जब मैं इशारा करता हूं तो प्रस्तुत होती है और खुदा जलाल पाता है। तो क्यों ना हो कि मैं अपना तख्त खुदा के तख्त के बराबर लगा लूं, उसके साथ बैठ जाऊं और इशारा करूं ऊपर से और प्रस्तुत करे खुदाए, तो खुदा भी जलाल पाए मैं भी जलाल पाऊं। उसके जलाल में से जलाल चुराना, उसकी इज्जत में से इज्जत चुराना, उसकी हशमत में से हशमत चुराना, उसकी बुजुर्गी में से बुजुर्गी चुराना, उसकी शान में से शान चुराना, ये गुनाह है। और ये गुनाह आसमान पर ये फरिश्ता अपने मुकाम से हट कर कर रहा है। और इसके ख्यालों में इसकी सोचों में जो तरतीब उतरी है वो बड़ी भयानक है। इसकी तरतीब मैं पढ़े देता हूं लाइट ना होने की वजह से, लेकिन स्पीकर तो ऑन है, ये है अपने पास, बड़ा अच्छा आवाज सब तक आएगी। मैं पढ़े देता हूं, लिखा है तरतीब सुनिए इसकी ख्वाहिशों की। लिखा है तू तो अपने दिल में कहता था मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से ऊंचा करूंगा और मैं शिमाली इतराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा। और आगे लिखा है मैं खुदा ताला की मानित होऊंगा। ये मानित बनना गुनाह, इसका जो गुनाह था खुदा की बराबरी करना, खुदा की तरह
उसका मुकाबला करने के लिए बैठ गया है कि जलाल खुदा भी पाए और जलाल मैं भी पाऊं। इसका मानित बनना ये देखें बड़ा मुश्किल है। सऊदी अरेबिया में लाइट की फ्लक्चुएशन ना होना तकलीफ है उसे के बागरू के बारे में पढ़ाया जा रहा है, उसे बड़ी तकलीफ है। चले हमने रुकेंगे जरा कॉन्सेंट्रेट करें मेरे साथ। यहां पर इसने जो गुनाह किया है अभी गौर करने की बात है। इसने अपने दिल ही में यह सोचा है और इसका दिल में यह सोचना इसका गुनाह ठहरा है और इस गुनाह की पदाश में इसको नीचे गिराया गया है। क्या मैं जारी रखूं? असल में आप सब अगर उधर देख रहे हैं तो फिर मुझे जारी रखना। अगर आप इधर देखें ये चार पांच छह और हवाओं तो मेरी आवाज आखिर तक जाएगी। करने में उनको जो करते हैं हम इधर देखते हैं तो यहां पर जो इसका गुनाह है वो खुदा की मानित बनना है। इसके 28 बाब में आप पढ़ें तो वहां इसके बारे में लिखा है कि तुझे खुदा के पहाड़ पर से गंदगी की तरह फेंका गया। और कनेक्टिविटी है इसकी खातिमुल कलाम खातिमुल कमाल के साथ कि तू खातिमुल कमाल यानी तुझे कमाल बनाया गया था। कमाल के मानी है कामिल मुकम्मल कोई कमी नहीं जरा भर भी कमी नहीं थी तुझ में। और आगे लिखा है तेरा दिल तेरे हुस्न पर घुमंड करता था और तूने गुनाह किया। तो हिजकिय्याह की किताब में भी इसका जो घुमंड है वो गुनाह गिना गया है। फिर लिखा है उसमें और तूने वो सोचे वो ख्याल जिनसे तूने लेन देन किया। जरा भाइयों में से देखते हैं हिजकिय्याह की किताब उसका 28 बार देखिए इलमुल गुनाह इसके बारे में हमें बाइबल क्या बताती है। यहां पे लिखा है अगर इसे 15 से पढ़े तो लिखा है तू अपनी पैदाइश ही के रोज से अपनी राह और रस्म में कामिल था जब तक कि तुझ में नाराजगी ना पाई गई। तेरी सौदागरी की फरावानी के सबब से उन्होंने तुझ में जुलम भी भर दिया। ये सौदागरी क्या है जो आपने थोड़ी देर पहले यसाया में से पढ़ा वो ख्याल वो ख्वाहिशें जो इसके अंदर उतरी ये सिंबॉलिकली ये सौदा था जो इसके फ्री विल डोर से दाखिल हुआ। इसने खुदा के बराबर बैठने का अपने अंदर सोचा ये वो सौदागरी है कि इसने ख्वाहिशों को अंदर आने दिया। और यकूब के खत में लिखा है ख्वाहिश के बारे में कि ख्वाहिश हामिला होती है और गुनाह को जन्म देती है। तो गुनाह को जन्म हुआ है इसने खुदा के जैसा बनने का सोचा तो सोचने पे सजा देखिए क्या मिली है। अभी कर नहीं पाया सोचा है आगे लिखा है इसलिए मैंने तुझको खुदा के पहाड़ पर से गंदगी की तरह फेंक दिया और तुझ साया अफगन कुरूबी को आपसी पत्थरों के दरमियान से फना कर दिया। तेरा दिल तेरे हुस्न पर घुमंड करता था तूने अपने जमाल के सबब से अपनी हिम्मत खो दी। जो इसे अथॉरिटी दे रखी थी जो इसके पास इख्तियार था। आप बैठ जाए मास्टर जी आप कुछ भी नहीं कर सकते बैठ रुक जाए फिर तुम अच्छा चले। तो वैसे ये बिजली इकलाम से ज्यादा जरूरी नहीं है मेरे लिए ठीक है तो कॉन्सेंट्रेट करें। तो यहां पे इसका जो गुनाह है वो इसकी ख्वाहिशें हैं इसको खुदा के मुकद्दसों को इसने खुदा के मुकद्दसों को नापाक किया है यानी वो फरिश्तेदान जो इसके अंडर थे वो भी इसके गुनाह की जद में आए हैं क्योंकि वो इसके अंदर थे वो इसके साथ ही गिराए गए हैं।
अब जब ये इस गुनाह के अमल में से होने की वजह से नीचे गिराया गया है, तो इसी वजह से तो ये प्रस्तिश में खलल डालता है, प्रस्तारों को पकड़ लेता है, फिर वो शायरी करवाता है बड़ी अजीब अजीब ऐसी ऐसी शायरी कि वो शायरी गुनाह के जैसी होती है, ऐसी ऐसी शायरी जो बाइबल की मुखालफत होती है, तो फिर हम गा भी रहे होते हैं। मैं आपको बताऊं, ऐसी शायरी आप हंसेंगे और मजाक बनेगा, ऐसी ऐसी शायरी करते हैं लोग। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, गीत है यसु ना का बैलेंस करा ले ते बापू दी सिम कटा ते रोग रोग तेरे मिट जाएंगे। अब ये देखें, इसमें हंसी आएगी हमें, लेकिन ये सच है। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, बड़े मजे से गाया। अभी मैंने एक गीत के लिए कहा था कि मत गाए, वो गीत अच्छा है, उसकी शायरी शानदार है, उसके उसकी धुन बड़ी ताकतवर है, लेकिन उसके अंदर एक छोटा सा एरर है, इसको दूर करें। जहां पे लिखा है ना यसू दे दीवानिया नू कौन ललकारेगा, करेगा जो जुर्रत वो मौत नू पुकारेगा। ये सच है कि यसू जिनकी जंग लड़ता है वो हार नहीं सकते, लेकिन ये झूठ है कि हम बाइबल की मुखालफत करें। यसू ने कहा है कि जो तेरे एक गाल पे तमंचा मारे दूसरी भी उसे पेश कर दे। तो जब हम कहते हैं यसू दे दीवानिया नू कौन ललकारेगा, करेगा जो जुर्रत वो मौत नू पुकारेगा, तो यसू की तालीम की मुखालफत कर रहे हैं और तबलेबाजी के साथ कर रहे हैं, बड़ी रिदम के साथ कर रहे हैं। अच्छा, ये लिखने वाला तो खुदा की बादशाही नहीं जाएगा, ऐसी बात नहीं है, गलती हो जाती है। दाऊद से भी तो हुई थी, तो दाऊद की गलती तो बड़ी जल्दी मान लेते हैं, आजकल की गलती भी माने, अपनी भी माने, कोई बात नहीं, गलती मानने में क्या है, हम दुरुस्त हो जाएंगे तो अच्छा है। इस थीम को चेंज करें ताकि यसू की तालीम की मुखालफत ना हो और गाएं, बल्कि दिन रात गाएं, सोते वक्त भी गाएं, उठते वक्त भी गाएं, हर रोज हर लम्हा गाएं। और जो दीवाने हैं ये भी बदल दें, हम यसू के दीवाने नहीं है। दीवाने का जो बाइबली मतलब है और असली मतलब है वो है पागल, बेवकूफ, खपती, डिसऑर्डर, जुनूनी, ये बाइबल में दीवाने का मतलब है। अगर पढ़ना चाहते हैं तो घर में पढ़ लीजिएगा। दाऊद जब जात के इलाके में पकड़ा गया, जो जूलियत था ना वो जात के इलाके से था, तो जब ये साउल से छुप रहा था जात के इलाके में जा छुपा, तो वहां पे पकड़ा गया, तो उसे पता चल गया मैंने तो जाति जूलियत का सर उतारा है, तो यहां पे मेरा सर उतार देंगे, अब तो मैं पकड़ा गया हूं। तो उसके बारे में दाऊद ने, दाऊद के बारे में लिखा है, सो वो दूसरी चाल चला, यानी उसके जहन में एक स्कीम आई, और वो स्कीम क्या थी, जब उसे बादशाह के सामने पेश किया गया तो लिखा है उसने अपने आप को दीवाना सा बना दिया, और दीवाना बना के कर क्या रहा था, अपनी थूके अपनी दाढ़ी पर ऐसे गिरा रहा था, और जो गुवारे थे और बंगे थे उन पे लाइनें मार रहा था। अब बादशाह किसी पागल से पूछे कि तेरा नाम क्या है, तो वही पागल होगा जो पागल से पूछ रहा है। अब पागल कैसे बताएगा अपना नाम, तो बादशाह नहीं पूछ रहा, वो अपनी चाल में कामयाब हुआ क्योंकि उसने अपने आप को पागल शो किया। तो बादशाह ने बल्कि कहा कि इस सीढ़ी को क्यों ले आया, सड़ी भी पागल को कहते हैं, क्या बादशाह को सड़ियों की जरूरत है। आगे लिखा है कि कभी मेरे घर में ये नहीं रह पाएगा, इसको निकाल दो। अगर बादशाह उससे पूछता तेरे बाप का नाम क्या है, तो उन्हें तो सकती थी, पागल हो ही सके गलत हो, तो बादशाह फिर पागल बहुत ही लगना सी। तो वहां पे हम देखते हैं दीवाने का मतलब पागल हमें बाइबल दे रही है। फिर अमाल की किताब में आ जाए, जब बालूस अग्रिप्पा बादशाह के सामने खड़ा है, अपना बता रहा है अपने बारे में, और कह रहा है कि बादशाह मैं भी इस बात पर मुत्तफिक था कि यसू नाम की तरह तरह से मुखालफत करना मुझ पर फर्ज है, सो मैं ऐसा ही किया करता था, बल्कि सरदार काहिनों से परवाने लेकर गैर शहरों में भी जाता था और उनकी मुखालफत में ऐसा दीवाना बना के
गैर शहरों में भी जाकर उनको कत्ल करवाता था। यहां पे जाओ पौलुस कह रहा है कि मैं ऐसा पागल बना कि मैं उन्हें गैर शहरों में भी जाकर कत्ल करवाता था, और अगर दीवाने दीवाने प्यार करने के हैं तो यहां पे तो ये कत्ल कर रहे हैं, तो दीवाने के मानी ही पागल के जुनूनी के, जिसको अपनी सोचों पर काबू न रहे, जो बेखुद हो जाए। तो ये बेखुद था, ये जुनूनी था। तो फिर आगे जब यीशु मिल जाता है तो यीशु के जब जी उठने की गवाही दे रहा है, यीशु को जब जीता बता रहा है, तो एक शख्स इसकी गुफ्तगू में मुदखल होता है, उसका नाम है फेस्टस। फेस्टस बहादुर, वो कहते हैं ऐ पौलुस तू दीवाना, ज्यादा इल्म ने तुझे दीवाना कर दिया है। इसका क्या मतलब है कि वो कह रहा था ज्यादा इल्म ने तुझे पागल कर दिया है। ये आज भी ऐसे होता है, जो बहुत पढ़ लिख जाए और हमारी समझ में ना आए, हम कह रहे तेरा खिसक गया। वो यही कह रहा था और तू खिसक गया है। तो आगे से दाऊद प्रभु क्या कहते हैं, पौलुस कहता है नहीं, मैं दीवाना नहीं बल्कि सच्चाई और होशियारी की बातें करता हूं। जब कलीसिया को सताता है, जब कलीसिया को कत्ल करता है, जब कलीसिया को मारता है, जब कलीसिया के खिलाफ है, जब कलीसिया यीशु के ईमानदारों को विजय घसीट घसीट कर बाहर जाता है इबादत खानों से, तब कहता है मैं दीवाना था। और जब यीशु के जी उठने की गवाही देता है कि मैंने उसे देखा है, मैंने उससे बातें की हैं, तो फेस्तुस कहता है ज्यादा इल्म ने तुझे दीवाना कर दिया। कहता नहीं, मैं दीवाना नहीं बल्कि सच्चाई और होशियारी की बातें करता हूं। तो तीन वाले तो मैंने ले लिए, आप पे भी तो जिम्मेदारी है, आप भी ढूंढ ले, फरंगे आसफिया में से देख लें, फरोजुल्लाह में से देख लें, डिक्शनरी में से देख लें, लेकिन नेट नहीं इसे मान लेगा, वो मौजूदा सिचुएशन के मुताबिक देता है। फिर जब 5-7 साल गुजर जाएंगे तो उसके मानी नेट चेंज कर सकता है। तभी नेट स्लेन के भी मानी कुछ और देता था, लेकिन आज स्लेन के मानी नेट वही दे रहा है जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी दे रही है। स्लेन के मानी है स्लेस यू एंड स्लेन, सुलम करके तशद्दुद करके कत्ल करना। आते हैं गुनाह वापस। और इसीलिए मैंने वो गीत रिक्वेस्ट की थी ना गाया जाए, जरा दुरुस्त कर ले फिर गाए। दुरुस्त कैसे करना है, हम ऐसे बड़े लोग हैं जो अच्छी शायरी कर सकते हैं, यीशु दे दीवानियां नु कौन ललकारेगा, इसको बदले कोई और लिख दे, करेगा जो जुर्म तो मौत लोग पुकारेगा, इसको भी बदल के कोई और लिख दे, जिद के कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम अच्छी म्यारी से म्यारी शायरी करेंगे, अच्छे से अच्छा होते जाएंगे, हमारी तरतीब बेहतर से बेहतर होती जाएगी, ये कोई मसला नहीं है। चले देखते हैं, अब जब ये गुनाह करने वाला जिसने खुदा का मुकाबला करना चाहा, खुदा की मानिंद बनना चाहा, तो ये जब आया है नीचे जमीन पर हवा के पास। अच्छा पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये गुनाह जो है वाका भी नहीं है। अच्छा मैं इसको बखेरता जा रहा हूं, इकट्ठा भी करते हैं बाइबल में से। ये गुनाह आदम का है। किसका है? कैसे? खुदा में से अगर खुदा आएगा, इंसानों में से अगर इंसान आएंगे, परिंदों में से अगर परिंदे आएंगे, तो फिर आदम में से आदम ही आएगा ना। आप पढ़ लें बाइबल में क्या नाम है इन दोनों का, पैदाइश की किताब उसका 5वां पहली और दूसरी आयत पढ़ लें, वहां पे लिखा है और जिस रोज वो खल्क हुए उनका नाम आदम रखा खुदा ने। जी पढ़िए जरा बाइबल में से, ये दोनों आदम है। ऐसा नहीं है कि ये एक का गुनाह है, अगर ये एक का गुनाह था तो फिर दोनों को नहीं था निकालना चाहिए। खुदा के बारे में लिखा है खुदा आदिल है, अगर वो एक के गुनाह पे दोनों को सजा देता है तो ये अदल नहीं है, फिर एक को सजा देनी चाहिए। जी पढ़िए 5वां बाब उसकी पहली दूसरी आयत, गौर करें जरा। ये आदम का नस्लनामा है, ये आदम का नस्लनामा है, जिस दिन खुदा ने आदम को पैदा किया, जिस दिन खुदा ने आदम को पैदा किया तो उसे अपनी छवि पर बनाया, उसे अपनी छवि पर बनाया,
नर और नारी, नर और नारी उसको पैदा किया। नहीं उसको नहीं होगा सर जी, यही को यही क्लियरिटी आनी है। नर और नारी उनको पैदा किया, यानी आदम अभी बनाया गया है, अब उसी जमा में एक में सीगा जमा आ गया है। एक है आदम, वो नर और नारी है, नर और नारी उनको पैदा किया आगे, और उनको बरकत दी, और उनको बरकत दी, और जिस रोज वो खलक हुए, और जिस रोज वो खलक हुए उनका नाम आदम रखा, उनका नाम आदम रखा। खुदा ने किनका नाम रखा है? उनका, यानी दोनों का नाम आदम रखा है। और ये आज भी जारी और सारी है काम। इमरान खान के जलसों में जा बड़ा राष्ट्र है, कहते हैं वहां पे औरतें मर्द बेटे बेटियां लड़के लड़कियां बहुत से लोग होते हैं, तो कहा जाता है गैर इरादी तौर पर लोग कह देते हैं वो एक बड़ा आदम आ जाते हैं। रेलवे स्टेशन पे अगर पांव रखने की जगह ना मिले तो कहा जाता है वो एक बड़ा आदम है यहां। तो आदम में से आदम निकला, तो जब निकला तो पेश जब किया तो खुदा ने कहा पेश करने पे कि दो नहीं बल्कि, हमारी मैथमेटिक्स क्या है, एक जमा एक बराबर दो, और बाइबल की मैथमेटिक्स देखिए एक जमा एक बराबर एक, ये बिल्कुल ऐसे ही है। एक ड्रम पड़ा हो दूध का, उसमें से एक जग निकाल के इधर रख ले तो जो जग में आया वो क्या है, और जो ड्रम में है वो क्या है, तो वो वापस उसमें चला गया तो क्या हो गया दूध। तो जब हवा जो नाम है ये खुदा ने नहीं रखा, ये 28 आयत पढ़िए तीसरे बाब की वहां पे लिखा होगा, और आदम ने अपनी बीवी का नाम हवा रखा। हवा खुदा ने नाम नहीं रखा, ये आदम ने नाम रखा। अब जब वापस दे दिया गया आदम को, ये जब जमा हो गए हैं, जब इकट्ठे हो गए हैं, जब दे दिया गया है, तो फिर ये दोनों कितने तन हुए हैं? एक तन हुए हैं। तो अगर एक तन है तो फिर गुनाह भी दो का तो नहीं ना लदा लदा एक ही कहना, ये तो अजीब बात होगी कि मैं किसी को गोली मारूं और जज साहब को कहूं जज साहब यह मेरी उंगली वट दो, इन्हें गोली चलाई सी बाकी छाड़ दे, हंसेगा जज, बैठे हुए लोग भी हंसेंगे। तो जो लोग कहते हैं ना कि ये हवा का गुनाह था सिर्फ, वो कुछ इस तरह की कैफियत मिलती है, ये जो गुनाह है ये आदम का था, और लिखा है कि आदम को निकाल दो एक हमारे इलाकों में। आप लोगों की बात करेंगे, कोई आपके सामने किसी शख्स का नाम लेगा, आप आयु की बात करें, आपको क्या जरूरत है बहस करने की, आप आयु में से बात करें, मैन वर्सेस बाइबल कैसे ठहरेगा एक इंसान उसके सामने, सवाल ही नहीं पैदा होता कि तुम ठहर सके। कोई भी है उसकी शख्सियत कितनी भी ऊंची हो चुकी, ये शख्सियत का ऊंचा करना ऊंचा रखना इसकी ख्वाहिश अपने अंदर उतारना यही तो गुनाह है। अगर कलीसिया में मौजूदा हो गया तो आयात इसमें मैंने लिख दी है कि रूह कुछ की कुदरत से जो यसु के काम है वो आप पढ़ सकते हैं, रूह कुछ के हवाले से कि यसु की जिंदगी में क्या काम थे रूह कुछ से। देखिए मेरे साथ, नंबर वन तो रूह कुछ की कुदरत से पैदा हुआ, यसु किसी कुदरत से पैदा हुआ है, कितना मशहूर हवाला है, लेकिन और भी इसमें किया जाता आगे की मामूरी से मामूर बात लुका चार बाब उसकी पहली आई है, लुका चार बाब उसकी पहली आई है। फिर यीशु रूह कुदस से भरा हुआ यर्दन से लौटा, किससे भरा हुआ? यह रूह कुदस से भरा हुआ, यह मामूर है रूह कुदस से, यानी यीशु रूह कुदस की ताकत से उसकी रहनुमाई से उसकी मामूरी से जंग कर रहे इबलीस से। फिर आगे बढ़ते हैं, वो रूह कुदस से यीशु मसीह हुआ, लुका चार बाब उसकी 18 आयत देखिए। अगर ये गिराने वाला रूह है तो हमें तो यीशु गिरता हुआ कहीं नहीं नजर आता। खुदावंद का रूह मुझ पर है, खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने
ने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मजा किया, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मजा किया। किसने? रूहुल कुद्स यसू को मजा किया है। रूहुल कुद्स मजा यसू का उससे मजा हुआ है। रूहुल कुद्स वो जो असली मनसूबा था वो रूहुल कुद्स के जरिए अमल में आया है। तो रूहुल कुद्स के जरिए वो पैदा हुआ है, रूहुल कुद्स की रहनुमाई से वो चला है, उसकी रहनुमाई में रूहुल कुद्स उसके आगे है। फिर रूहुल कुद्स ने उसको मसा किया है, उसे असली रूह के वसीला से, उसे असली रूह के वसीला से कलवरी पर कफारा के लिए पेश किया गया। रूहुल कुद्स वो रूहुल कुद्स की कुदरत से मुर्दों में से जी उठा है। किसकी कुदरत से? रूहुल कुद्स जी उठा है। मेरे साथ पढ़ लिया वाला रोमियो 8:12 उसकी 11 है। अपने को कोई गल नहीं, और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से, अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा। ना सिर्फ वो यीशु को जिलाने वाला रूह है, जिंदा करने वाला, बल्कि आपको भी जिंदा करने वाला रूह। तो कितना उतान है उसकी। जब जिंदगी के आखिरी एग्जाम में थे, बिल्कुल आखिरी एग्जाम में, तो एक दिन स्टेज से कहते हैं रोते हुए, आंसू थे उनकी आंखों में, कहते हैं यार मेरा दिल कर दिया मैं तुम सारे अनुवाई करेगा वहां। उन्हें पता था कि मैं आसमान पे जाने वाला हूँ, तो पता नहीं उनमें से कितने मेरे पीछे आएंगे। मैंने जो तालीम दी है कि प्लीज चुराने वाला कहीं वो चुरा ना ले जाए, ये कहीं आपका ईंधन ना बन जाए, वो मिलना चाहते थे। उस वक्त समझ ही नहीं। आज जब मैं इलाकों में जाता हूँ, मैं पाकिस्तान में 8 चर्चेज हैं जो मुझे जिनकी जिम्मेदारी दी गई है। जब मैं पहले आया था यहाँ पे, उस वक्त मेरे पास एक चर्च था, इन 3 सालों में 8 हो गए। 8 वो चर्च है जिनको मैं लीड कर रहा हूँ। खुदा ने मुझे उसकी बात को संभालने के लिए चुना है, मेरे कंधों पे ये जिम्मेदारी है। और पंजाब, फैसलाबाद, लाहौर और सिंध के इलाकों में, कराची में, लालपना में, सिंध के सारे शहरों में तकरीबन 50-60 और डीसीए हैं जहां मुझे मौका मिलता है। जब मैं जाता हूँ अपने बहन भाई की हालत देखता हूँ तो मुझे रोना आता है, मुझे भी तकलीफ होती है कि ये मसीह, मसीह के नाम से जानने वाले, जाने जाने वाले, ये किस कदर दौलत मांगे इनको पता ही नहीं है, और किस कदर बाद नसीब है ये भी इनको पता नहीं है। हमारे पास, हमारे लिए एक मेराज तैयार है। मैं अक्सर जो रुपये कहता हूँ मैं बड़ा दौलतमंद पादरी हूँ, और उसकी वजाहत यह है कि आसमान ये मेरा घर है। तो अगर बदनसीबी ये है कि एक शख्स का बड़ा निशान महल हो लेकिन अंदर जाने की इजाजत ना, ये बदनसीबी है, ये गुर्बत नहीं है। गुर्बत यह है कि है नहीं कुछ। तो बदनसीबी यह है कि आसमान के मालिक हैं और पताल का ईंधन बन रहे हैं। तो फिर मुझे रोना आता है, मैं आंसू के साथ जब बोलता हूं गुलाम, मेरा फोकस कलाम है। मुझे कलाम बीजने के लिए, बोने के लिए दिया गया है, तो मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं ऐसी बातें करूं जिनसे लोग खुश हो, नाराज ना हो। कलाम तो तलवार है, तलवार चलेगी, कट लगेगा, काट से इसका तर्जमा है इंग्लिश में कि ये कलाम काटेगा और फिर कर देगा वो मैरिनेशन जो कलाम की है, यही हमें जायकेदार कर देगा। अगर बर्दाश्त नहीं करेंगे काटे तो जायकेदार भी नहीं। और दो धारी तलवार से इसलिए कहा गया है,
कि ये बराबर है, एक हाथ आपकी तरफ है, दूसरी मेरी तरफ, राम ऊपर से उतर है, वी आर इवन, हम बराबर है। पादरी पादरियों की इतनी इज्जत की जाती है कि गुनाह सा लगता है, शर्म आती है। नहीं, इज्जत अच्छी है, लेकिन इतनी नहीं कि हम डिस्ट्रॉय हो जाए, हम खुदा के कलाम को भी पीछे छोड़ दे। तो यहां पर हम देखते हैं कि रूहुल कुद्स की जो मुखालफत करने वाले हैं, इनकी तादाद जो है इस हवाले से पास्टर साहबान की ज्यादा है, और वो पास्टर साहबान जो कड़वा बीज बोने वाले हैं, वो नहीं जो खुदा की तरफ से, वो तो दो जन इज्जत के लायक है। लिखा है कि जो बुजुर्ग अच्छा इंतजाम करते हैं, खासकर वो जो तालीम देने और कलाम सुनाने में मेहनत करते हैं, दो जन इज्जत के लायक समझे गए। लेकिन जो मुखालफत का बीज बोते हैं, जो गुनाह उनका तालीम बिखेरते हैं, जो अपनी ताकत का मुजाहरा करते हैं, वो गुनाह होते हैं, वो गुनाह फैलाते हैं। तो रुहुल्कुद्स आप यीशु की जिंदगी में भी देखते हैं उसके अमल को, जब आप इन नोट्स को पढ़ेंगे और भी हवाले मिलेंगे आप। रुहुल्कुद्स एक शख्सियत, अगर आप शख्सियत के जुज देखेंगे, आप उसके अंसर देखें, तो रुहुल्कुद्स में आपको मिलेगा कि उसकी जहानत था, उसके शौर था, एक शख्सियत में अकल होने का अंसर का होना लाजिम है। चले मेरे साथ देखें रोमियो 8 बाब उसकी 27 आयत पढ़िए। और दिलों का परखने वाला जानता है, और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नियत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुआफिक मकसदों की शफायत करता है। वाह, ये उसमें जहानत है उसकी, ये उसकी अकल है कि वो हमारे बारे में, मुकद्दसों के बारे में, ईमानदारों के बारे में, इनके दिलों के बारे में जानता है। ना सिर्फ ईमानदारों के बारे में, बल्कि रुहुल्कुद्स के बारे में लिखा है कि वो खुदा के दिल की बातों से भी वाकिफ है। पढ़िए पहला ग्रंथियों उसका दूसरा बाब 10-13 आयत। पहला ग्रंथियों उसका दूसरा बाब 10-13 आयत। लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तय की बातें भी, रूह सब बातें बल्कि खुदा के दिल की तय की बातें भी तैयार कर लेता है। ये रुहुल्कुद्स देखिए, ये एक शख्सियत है, एक शख्सियत में अकल का होना जरूरी है, शौक का होना जरूरी है, फिर आगे देखते हैं इसमें इसकी मर्जी, इसके इरादे का होना जरूरी है। एक शख्सियत में देखिए आप रोमियो 8 बाब उसकी 26-27 है, इसके इमोशंस, इसकी फीलिंग्स इसमें मौजूद है, रुहुल्कुद्स में ये एक शख्सियत है, और इसका सबूत पढ़िए जी। कौन है जो मुजरिम ठहराएगा? हाँ, मसीह यीशु वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी भी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है। इसी तरह हमारी कमजोरी में मदद करता है, हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हाँ हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, हाँ मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शफायत करता है। प्रेज गॉड, जिसका बयान करना जज्बात के हवाले से का बयान नहीं हो सकता, ये उसमें जज्बात है, उसमें ऐसा साथ है। मैं क्लोजिंग की तरफ आ रहा हूं, इफिसियों 4 बाब उसकी 30 आयत कि उसमें ऐसा साथ है, उसमें जज्बात है, वो फीलिंग्स है, ये एक शख्सियत में इनका होना लाजिम है, ये उसकी शख्सियत के सबूत है जी। पढ़िए, और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो, और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो, आगे जिससे तुम पर मखलिसी के दिन के लिए मेहर हुई, मोहर हुई हर तरह की तलख मिजाजी और कहर और गुस्सा और शोरगुल और बदगोई
हर किस्म की बदख्वाही समेत तुमसे दूर की जाए। आमीन। जी एक और इसमें खसूसियत, इसके शख्सियत होने का सबूत कि इसमें गुस्सा है। एक शख्सियत जिसमें गुस्सा ही ना, वो क्या शख्सियत है? वो तो अधूरी। आपको पता है यीशु ने पूरा पाया था और लिखा है गुस्सा तो कर गुनाह ना कर। हमारी किताब उसका 13:6-12 पढ़े, वहां पे भी गुस्सा को खौफा होता नजर आ रहा है, गुस्सा करता नजर आ रहा है, उनके सजा देता नजर आ रहा है। और हमारी किताब उसका 5 पढ़े 3-5, तो वहां पे भी उसने सजा दी है। और मेरा अपना भी तजर्बा है, एक दफा मैं मुनादी कर रहा था मौत के खिलाफ वर्ल्ड के लिए, और जहां पर मैं मुनादी कर रहा था उसके बिल्कुल राइट साइड पे जो स्टेज था उसके बिल्कुल साथ जो दरवाजा था वो जादूगर का था। उसका नाम था बाबा दानी। तो जब मुनादी खत्म हुई तो लोग चले गए, घर वालों ने रोका हुआ था भोजन के लिए, खाना पीना करने के लिए। हम हैरत के उधर से बाबा जी आए हैं और मेरे आदमी हाथ डाल के साइड में ले गए अंधेरे। मैंने कहा बुजुर्ग आदमी है, पता नहीं कोई खास बात करनी है। तो जब उधर पहुंचे तो अपनी आंखें यूं टेढ़ी करते हुए कहते हैं, फिर मुकाबला हो जाए। जब उन्होंने कहा कि फिर मुकाबला हो जाए, मैंने तो मुनादी की थी बहादुर के साथ था और मौत के खिलाफ मुनादी की थी। जब उन्होंने कहा कि मुकाबला हो जाए हुआ कुछ यूं कि बहादुर ने मेरे अंदर से जवाब दिया लेकिन मेरे कान बंद कर दिए, मैं वो बात जो मेरे मुंह से निकल रही है वो सुन नहीं पा रहा। और कहा आज नहीं फिर आऊंगा, तू नहीं होएगा। मैं तो सुन ही नहीं पाया था, उन्होंने मेरा बात छोड़ दिया। मैं आज खाना शाना खाया, अगली जुमेरात दोबारा उसी जगह पर मना दी थी। तो मैंने घर वालों से पूछा उस नाव का बंदर क्या है, क्या जो अगले दिन ही पड़े चोर। उसने बहादुर को चैलेंज किया था, जो बहादुर को चैलेंज करेगा उसकी माफी नहीं है, ना इस जहान में ना उस अगले जहान में। बहादुर के खिलाफ जो गुनाह है, जो बिदते हैं, उन्हीं के जरिए करवाई जा रहे हैं। बच जाए, बहादुर के बारे सीखिए, पाखरू के दौर से आप गुजर रहे हैं, पाखरू को आप उससे मामूत हो जाए, यीशु उससे मामूत हुआ था। पाखरू का बपतिस्मा ले, इसका बपतिस्मा मिलता है। पर पाखरू का बपतिस्मा ये है कि यीशु आपको मिल जाए और यीशु आपके अंदर उतर जाए, ये पाखरू का बपतिस्मा है। और इससे मामूत होना ये है कि आप उसके अंदर चले जाए, यानी आप उसमें छुप जाए और वो आप कैसे दिखे, ये मामूलन है। यानी वो आपके सारे काम करे, वो आपको इस्तेमाल करे, आप उसकी इज्जत करें, उसकी इज्जत बढ़ाए और वो आपको गली गली ऊंचा ऊंचा जहां जहां लेके जाना है वो लेके जाए, ये मामूलन है। तो ये मुश्किल भी नहीं है। इसका बाद है लिखा है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, अगर तुम्हारा बेटा अंडा मांगे तो उसे तुम बिच्छू नहीं दोगे या सांप नहीं दोगे रोटी मांगे। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें पागलू क्यों ना देगा। और उससे पहले कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। ये नहीं लिखा कि मंगवाओ, कलीसिया को आदत पड़ी हुई है बाकी सब दुआ के करें। ये तो सही हमने जी जाना है अब वहां सैर कर, बाकी सब को जरूरत नहीं, ये नहीं लिखा। हाँ अगर आप बीमार हैं तो फिर लिखा है कि कलीसिया के बुजुर्गों को
घर बनाओ, वो भी कलीसिया के बुजुर्ग लोग ऐसी लापदेना फिर ना कि वो थे छोटा बड़ा ये सुन ले। उधर पाकिस्तान में जो मुसीबत पड़ी हुई है बाहर को नहीं मिलो बाहर के एक मीटिंग बुद्ध मीटिंग शुद्ध मीटिंग ना यीशु के बारे में लिखा है वो कल और आज पर किया पर करके एक्सेप्ट वो आपका इंतजार कर रहे हैं, वो आपको तब तक इंतजार आपने करवाने हैं। कुछ लोग हम देखते हैं पाकिस्तान में होता था लाही नानी के पीछे बिताने और रोगी और रोगी और रोगी फिर लाही नानी निकालने के बाद है ना दरवाजा बंद हो गया आप पहुंच भी गए तो नहीं बैठ देंगे कटाई पूरा हो गया जितना मर्जी गिरफ्तार हो लारी आज ये नहीं पाएगी। तो वक्त जो होता है ना अपनी शिफा लेगा वो जब कलाम नाजिल होता है क्योंकि लिखा है वो अपने कलाम को नाजिल फरमा कर शिफा पहुंचा लेता है। और जो मौजज़ा है ये भी इसकी तरतीब भी कुछ ऐसी ही है लिखा है ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़ा है। ये नहीं कि अब इबादत खत्म हो गई दुआ रबानी हो गई उसके बाद फिर आप आ गए अरे बाजी साहब दुआ देकर स्पेशल हुआ बाजी तो कुछ पूरा बेचारा नाराज ना हो गया उतार देता है लेकिन ये कोई प्यार नहीं है ये समझ नहीं है। मेरे एक दोस्त गए ब्राजील तो उन्होंने अपनी आदत के मुताबिक नाजिल फरमा का शिक्षा यही मौजूद होती है। खुदा आप सबको बरकत दे हम सब